हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैम आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है फ्री ऑफ कंसेंट, स्वतंत्र सहमति के बारे में हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जिस स्टूडेंट के कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का विषय है, उनको इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। और जो जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। इन दोनों स्टूडेंटों के लिए, जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं और जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों के पॉइंट व्यू से ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। एक बार में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 22 तक कवर करने वाली, यानी एक वीडियो में 9 सेक्शन हम कवर करेंगे। आपके जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे फ्री ऑफ कंसेंट को लेकर और सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 22 के बीच की प्रॉब्लम को। आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज मेरे विधिज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे विधिज्ञान चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जब वीडियो सुन लेते हैं तो आप प्लीज एक कमेंट करके बताए कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आपको वीडियो में कुछ अच्छा चाहिए या एक वीडियो बिल्कुल आपके मन मुताबिक है, आपके पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज एक कमेंट करके जरूर मुझे बता दिया कीजिए ताकि हम अगले वीडियो के लिए अच्छे तरीके से और तैयारी कर सकते हैं। साथ में लाइक क्या कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी बताया कीजिए कि फ्री ऑफ कंसेंट या जो भी मैं वीडियो होता है उनको इस बारे में जानना चाहिए। क्योंकि मेरा जो पॉइंट व्यू है, मैं यही चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को किसी भी प्रॉब्लम ना आए, उनको एग्जाम में दिक्कत ना हो। एग्जाम के पॉइंट व्यू से मैंने अपने इस चैनल को बनाया हूँ और एग्जाम के पॉइंट व्यू से मैं इस वीडियो को बनाता हूँ ताकि एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे जजमेंट के साथ, लैंडमार्क जजमेंट के साथ आपको बताऊंगा कि ये फ्री ऑफ कंसेंट होता क्या। अगर आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में आप अगर एक भी केस लॉ को डाल देते हैं, लैंडमार्क जजमेंट को डाल देते हैं, तो आपको एग्जामिनर, में बता रहा हूँ कि कभी भी फेल नहीं कर, कुछ भी लिख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक अगर सही से अगर उससे जुड़ा हुआ लैंडमार्क जजमेंट डाल देते हैं, उसमें लिख देते हैं, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा नंबर देगा और आपको कभी भी फेल नहीं होने देगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जो भी चीज समझिए उसको लैंडमार्क जजमेंट के साथ समझिए ताकि जजमेंट आप लिख सकते हो और जजमेंट लिखोगे आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कंसेंट के बारे में, फ्री ऑफ कंसेंट हम बाद में जानेंगे, पहले हम कंसेंट के बारे में जानते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सी बात पर एक भाव में करार करते हैं तब कहा जाता है कि वो सहमत है, यानी उनकी कंसेंट है। दोनों व्यक्ति का समझने का तरीका एक होना चाहिए, दोनों का मकतब एक होना चाहिए, दोनों का मन एक साथ मिलना चाहिए। ये नहीं कि दोनों का मन में कुछ और चल रहा होगा तब वो कंसेंट नहीं माना जाता, वो सहमत नहीं माने जाते, वो पक्का उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी। तो आप लोग कंसेंट के बारे में, जो कि सेक्शन 30 में इसके परिभाषा दिए गए हैं, तो आप लोग सेक्शन 13 के बारे में समझ गए। अब इसके बाद आता है सेक्शन 40, इसमें आता है स्वतंत्र सहमति के बारे में कि स्वतंत्र सहमति जब कही जाएगी, जब उत्पीड़न, असम्य, कपट, मिथ्या निरूपण या मिथ्या व्यपदेशन और भूल नहीं होगी तब हम मानते हैं कि वो स्वतंत्र सहमति है। उत्पीड़न जो धारा 15 में इसकी परिभाषा दी गई है, असम्य जो धारा 16 में इसका परिभाषा दिया गया है, कपट जो धारा 17 में परिभाषा दिया गया है, मिथ्या निरूपण जो धारा 18 में परिभाषा दिया गया है और भूल जो धारा 20, 21, 22 में इसके परिभाषा दिए गए। तो आइए हम एक एक करके इन पांचों को परिभाषा को समझते हैं कि क्या क्या इसके परिभाषा कहते हैं। लैंडमार्क जजमेंट के साथ हम समझेंगे इन सारे परिभाषा को। पहला है उत्पीड़न, यानी धारा 15। धारा 15 में कहा गया है उत्पीड़न के बारे में कि इस आशय किसी व्यक्ति से करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता के तहत निषेध है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव पड़े जिसके डर से व्यक्ति करार करने के लिए तैयार हो जाए। तो उत्पीड़न का मतलब यह है कि कोई भी भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत उसको जुर्म माना गया, उसको अपराध माना गया, उसको डरा धमका के ऐसा कार्य कराया जा रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना दे,
तो उसे हम उत्पीड़न कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है, रंग नायकम्मा बनाम अलवर सेठी 1890 मद्रास 214 का एक केस है। ये केस में क्या हुआ था, इस वाद में क्या हुआ था कि एक 13 वर्ष की लड़की थी और उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद उसकी पति की मृत्यु होती है। उसके जो पति के जो रिश्तेदार होते हैं उसके मृत शरीर हटाने के लिए दबाव डाल देते हैं उस लड़की के ऊपर। ये दबाव होता है कि जब तक वो एक बच्चे की गोद नहीं लेगी तब तक उसके पति के हम शरीर को हटाने नहीं देंगे, यानी जो भी आगे का जो कार्य होता है मृत शरीर का उसको करने नहीं देते हैं, मना कर देते हैं। अब वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है, दबाव में आ जाती है, उसके साथ एक उत्पीड़न वाली भाव आ जाता है कि जब तक वो एक बच्चा को गोद नहीं लेगी तब तक वो उसके पति का मृत शरीर के आगे की कार्य नहीं करने देंगे। अब वो उत्पीड़न की वजह से वो लड़की उस बच्चे को गोद ले लेती है। जब ये केस मद्रास उच्च न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट में जब पहुंचता है तो इसमें निर्णय आता है कि जो एडॉप्शन जो हुई है, जो दंतक ग्रहण जो हुआ है कराया गया है वो अवैध था, क्योंकि उस लड़की का इच्छा नहीं था, उसका मन नहीं था वो बच्चे का गोद लेना, एक तरीके से उसके साथ उत्पीड़न की भाव पैदा की गई है। तो आप लोगों ने उत्पीड़न और उत्पीड़न से जुड़े हुए की जो केस लॉ था उसको अच्छे तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। के स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आ रहा होगा, आप मुझे वहां पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उसके थ्रू भी आपको बता सकता हूँ। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में किसी भी पॉइंट व्यू से किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक उस स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल डरो मत, निर्भय होकर लिखो, आप जरूर पास होगे। अगला आता है इसके बाद असम्यक, जो धारा 16 में इसको परिभाषा दिया गया है, जहां पक्षकारों के बीच आपसी संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति में दूसरे पक्षकार से फायदा प्राप्त करने के लिए करता है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि एक पति और एक पत्नी है, तो अगर कोई भी पति को पता है कि मैं अपनी पत्नी को अगर कुछ भी बोलूंगा तो वो कर देगी, तो इस चीज को रिश्तेदारी में जो होता है, या मान लीजिए कि भाई बहन है और भाई बहन को कोई भी ऐसा बात होती है तो उन भाई को पता है कि मैं अपने बहन को बोलूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना देगी, वो मेरे को एक चीज दे देगी, तो यहाँ पे आपसी संबंध होना चाहिए उसमें, तो उसको हम असम्यक के स्थिति में मानते हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट केस लॉ है, आपको उस केस लॉ को समझ जाएगा तो मुझे पता है कि आपको इस सेक्शन को और इस असम्यक के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ये केस है श्रीमती निको देवी बनाम कृपा, AIR 1989 हिमाचल प्रदेश 1989। इस वाद में क्या हुआ था कि एक मकान कब्जा करने के लिए वाद किया गया, इसमें 5 वर्ष की एक लड़की थी, उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सारी संपत्ति उसके माँ को ट्रांसफर हो जाती है। जब लड़की 10 साल की होती है तब तक उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब क्या होता है कि जो इसमें प्रतिवादी होता है, जो उस लड़की के चाचा का लड़का होता है, उसकी देखभाल करने लगता है, और उसके बाद प्रतिवादी जो है उस लड़की का विवाह करा देता है। लेकिन उसको क्या करता है, विवाह कराने के बाद उस लड़की को 2 साल तक उसको अपने ससुराल नहीं जाने देता, ससुराल नहीं जाने देता है ये बोलकर कि अच्छा मुहूर्त नहीं है। इस बीच में क्या होता है कि उस लड़की को बोलता है कि तुम जा ही रही हो, अब तुम ये जो संपत्ति है मेरे नाम देकर जाओ, मेरे नाम इस पे कॉन्ट्रैक्ट बना के जाओ ताकि मैं इसकी देखरेख करूं। अब उसको लड़की को ये बोल के करवाता है कि मैं देखभाल करने के लिए तुम्हारे प्रॉपर्टी को सिर्फ इतना ही के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, लेकिन उसने क्या करता है उसमें कि दान गिफ्ट डीड बनवा लेता है, उसमें दान पत्र बनवा लेता है, लिखवा लेता है। इसमें जब केस पहुंचता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, उसमें कहा जाता है कि जो संपत्ति जो है वो एक तरीके से असम्यक करके असम्यक असर के द्वारा उसको लिया गया था, तो हिमाचल प्रदेश ने उस केस उस गिफ्ट डीड को कैंसिल कर देती है। तो आप लोग इसको
अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस केस के बारे में भी, असम्यक के बारे में भी समझ गए होंगे। इसके बाद आता है कपट, धारा 17। मैंने ऑलरेडी इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे लोगों को वो वीडियो पसंद भी आ रहा है। आप वो भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से मैंने उस वीडियो को बनाया हूँ, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी सुन लीजिएगा। कपट धारा 17 में इसके परिभाषा दिया गया है कि जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा उसकी मौन नुकुलता से दूसरे पक्षकार को धोखा देने के लिए या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आज से किया गया। यानी कपट का सबसे सिंपल शब्द है कि दो पक्षकार हैं और उन दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार को लगता है कि मैं अगर चुप रहूंगा, मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा तो मुझे फायदा होगा और उसको उस बंदे को साथ धोखा हो जाएगा। यानी एक बंदा जानता है कि मेरे चुप रहने से ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट को मैं पा सकता हूँ, उसकी सहमति को मैं पा सकता हूँ, तब हम कहते हैं कि कपट हुआ उसमें। यानी अगर कोई भी दो व्यक्ति में अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो सबसे बढ़िया बात है कि उस दोनों व्यक्ति को अगर कोई भी चीज की प्रॉब्लम आ रही है तो एक दूसरे को बताए, वहां पे एक दूसरा कोई भी चुप नहीं रह सकता, अगर चुप रहेगा तो दूसरे के साथ वो धोखा हो जाएगा, तो इसलिए वो कपट मान लिया जाएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक केस है RD टक्कर बनाम बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड, EIR 1973 गुजरात 34 का ये मैटर है। इस वाद में क्या होता है कि एक निगमित निकाय वाले होते हैं, उनका जिम्मेदार अफसर क्या करते हैं कि मिथ्या तथ्य को छुपाकर कपट कर देते हैं, उनका उद्देश्य बुरा नहीं होता है। जब ये मैटर गुजरात उच्च न्यायालय में पहुंचता है, हाई कोर्ट में पहुंचता है, तो उस जजमेंट में कहा जाता है कि कपट के लिए निगमित निकाय दायित्वाधीन होगा, यानी वो जो जिम्मेदार जो अफसर हैं उनके ऊपर नहीं है, लेकिन जो निकाय जो उसका जिम्मेदार है उसके ऊपर ये दायित्व होगा। इस बात से कोई अंतर नहीं होगा पड़ेगा कि कपट करने वाले का उद्देश्य अच्छा था या बुरा था, वह उसके परिणामों से नहीं बच सकता। यानी इस उच्च न्यायालय इस हाई कोर्ट का मानना था कि मान लीजिए कि अफसरों ने कपट किया लेकिन उस निकाय ने के ऊपर दबाव जाता है कि निकाय की वजह से हुआ है, अफसर तो बात की बात रही ना, पहले निकाय आया तो निकाय की वजह से कपट हुई है तो उसका भरपाया निकाय करेगी चाहे वो कैसा भी हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, उसमें उसके अफसर जो है वो अपने मन से किए हैं, उनमें कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक तरीके से ये कपट माना गया था। तो आप लोग RD ठक्कर बनाम बॉम्बे हाउस बोर्ड का इम्पोर्टेंट केस लॉ के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो, इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ में आपके लिए कमेंट बॉक्स भी खाली है, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करके बताऊँगा। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा आपके, और साथ में मैं चाहूंगा कि आप मेरा कपट फ्रॉड वाला जो धारा 17 के में जो इम्पोर्टेंट जो एक वीडियो बना चुका हूं वो भी आप सुनिए उस वीडियो को, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप कपट के बारे में वहां से भी सुन सकते हैं। इसके बाद आता है मिथ्या निरूपण धारा 18, इसको हम मिथ्या व्यपदेशन भी कह सकते हैं। इसमें मैं तीन तरीके का तथ्य बताऊंगा, तीन तरीके के तथ्य से आप समझ जाइएगा। वैसे आप इसके एक्ट में जाइएगा, इसके अधिनियम में जब जाइएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, इसलिए मैंने उस डिफिकल्ट लैंग्वेज को इस्तेमाल ना करते हुए मैं इसके सीधे आपको तथ्य बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला है कि ऐसी बात कहना जो सत नहीं है परंतु कहने वाला उन्हें सत समझता है। दूसरा है कोई ऐसी कर्तव्य जो करने वाले कुछ लाभ तथा दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। तीसरा है करार की किसी पक्षकार से करार के विषय में भूल कराना। इसमें हम एक चीज और समझते हैं, आप लोगों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी, कपट और मिथ्या निरूपण में अब क्या अंतर है। कपट में किसी बात का सुझाव करने वाला उसकी सत्यता में विश्वास नहीं करता, जबकि मिथ्या निरूपण में वह उसकी सत्यता में विश्वास करता तथा दोनों तथ्यों में मिथ्या कथन भुला देते हैं। अब इसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कपट और मिथ्या क्या है।
कपट में क्या होता है कि व्यक्ति उस चीज को जानबूझ के बात को छुपाता है, मुंह नहीं खोलता, जुबान नहीं खोलता, तो वो कपट होता है। और मिथ्या में क्या होता है कि जो विषय वस्तु है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में उस व्यक्ति को पूरे तरीके से पता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से वो मिथ्या निरूपण। अब मान लीजिए जैसे कि एक पेन है, तो दुकानदार के पास जब आप पेन लेने जाइएगा तो उस पेन के बारे में उस दुकानदार को बस इतना पता है कि बहुत अच्छे तरीके से लिखता है, इस पेन को ले जाओगे तुम एग्जाम में 10 से 20 पेज लिख डालोगे, लेकिन वो पेन तो उस दुकानदार ने बनाया नहीं है, उसको तो कहीं और से वो पेन मिला है, लेकिन उसको पूरा भरोसा है कि जो मेरा पेन है, जो मैं पेन बेच रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा, 10-20 पेज तो आराम से लिख देगा बिल्कुल रोक टोक के, लेकिन उसको किसी ने इस बारे में बताया है तो गलती उसकी नहीं मानी जाएगी, लेकिन उसमें कुछ तत्व जो है वो भूल हो गई है, उसमें भुला दिया गया है मिथ्या निरूपण में। और कपट में क्या होगा कि जब आप पेन लेने जाइएगा तो व्यक्ति सीधा बोलेगा, यार तुम अपना पेन लो जाओ, मुझे नहीं पता है कि ये पेन कैसा है। अब आपके ऊपर है कि अब आप उस पेन को लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। अगर आप पेन को लीजिएगा, घर जाइएगा तो पता चले जैसे लिखिएगा वो चलेगा ही नहीं। तो ये होता है कपट में कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को इस तरीके से बताता है कि वो जानने के बाद भी उस चीज को कुछ नहीं कर सकता, मौनाकुल हो जाता है, वो बताता ही नहीं, सीधे डांट डपट के। आप जाते होंगे बहुत सारे दुकान पे पेन लेने के लिए, तो दुकानदार क्या करते हैं, जब पेन खराब होगा सीधा बोलेंगे, यार तुम लेना है तो पेन लो, नहीं लेना तो घर जाओ, अब आपको जरूरत है तो आप पेन ले लोगे, यानी उसकी जो सच्चाई को चीज को है उसको छुपा देते हैं लोग, तो वो कपट हो जाता है। और मिथ्या में क्या होगा कि वो व्यक्ति उसको पूरे तरीके से बताएगा, नहीं यार ये पेन बहुत अच्छा है, तुम ले जाओगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ये 10 से 20 पेज तक लिखा जाता है इस पेन से, तो आपको लगेगा यार चल यार ये अच्छा पेन है, लेकिन वो पेन जो किसी और जगह से जो इम्पोर्ट हुई है, जो आयात हुआ उस पेन का, उस जगह से वो प्रॉब्लम में है, लेकिन जिसने उस पेन को उस दुकानदार तक पहुंचाया उसने उसको बताया कि ये पेन 10 से 20 पेज तक है, इसको तुम आगे बेचो, तो वो चीज वही व्यक्ति करके बेचता है। तो आप लोग मिथ्या और कपट के दोनों को अंतर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसमें हम एक इम्पोर्टेंट केस है, श्रीमती कमावंती बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम AIR 1981 इलाहाबाद 366 का मैटर है। आप लोग इसके बारे में समझिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मिथ्या व्यवदर्शन को समझ में आ जाएगा। इस वाद में क्या होता है कि एक विधवा लेडी होती है, विधवा महिला होती है, वो भारतीय जीवन बीमा पर वाद करती है, केस करती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसको 13,000 रुपये दिलाया जाए। जब अपीलार्थी का वैसे उसमें नॉमिनी में नाम होता है, आप लोग नॉमिनी के बारे में जानते होंगे कि जिसको नॉमिनी में नाम होता है उसी को वो पैसा मिलता है, तो नॉमिनी में उसका नाम होता है, लेकिन जब एक केस निचली अदालत और उच्च न्यायालय में जब पहुंचता है, हाई कोर्ट में जब पहुंचता है, तो वहां पे इस बात पे खारिज कर देता है न्यायालय कि इसमें तथ्य को छुपाया गया है, यानी उसमें कारबंकल तथा डायबिटीज के जो रोग होता है वो उससे मृतक ग्रस्त था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है, इस चीज को छुपाया गया, इसलिए उसको भारतीय जीवन बीमा रुपया नहीं दे सकते। ये कारबंकल एक तरीके से स्किन का प्रॉब्लम होता है और डायबिटीज तो आप लोग समझते ही होंगे। इसमें सीधा यानी निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने इस चीज को बता दिया कि मिथ्या व्यवदर्शन के तहत ये करार शून्य है। लेकिन बीमा करवाने के समय में क्या हुआ था कि जिसका बीमा हुआ था, जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति थे नंदलाल जगजीवन संघवी, उनकी उम्र 60 वर्ष की थी। जब एक केस जब पहुंचता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जब ये न्यायालय में जब जाता है ये, तो वहां पे न्यायालय बताता है कि इसमें मृतक ने जो अपना व्यक्तिगत बयान जो दिया था, जो प्रश्न था, उसमें कार बंकल तथा डायबिटीज का कोई उल्लेख नहीं था। यानी आप लोग देखते होंगे कि जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें मोटे मोटे तौर पे कहीं कहीं पूछा जाता है कि आपको ये बीमारी है तो नहीं, है तो नहीं, और है, इस दोनों में थोड़ा फर्क पड़ेगा आपको, तो आपको तो कोई भी ऐसा बीमारी अंदर से है,
लेकिन उसके बारे में है तो नहीं अगर पूछा जाएगा तो आप ऑब्वियसली बताओगे कि नहीं है, लेकिन जब उस चीज को अगर आपको प्रूफ करके पूछा जाएगा तो आप मना करोगे। प्रूफ जब होने लगेगा कि उस व्यक्ति का प्रूफ कर लिया जाए तो आप उस जगह मानोगे कि ये बीमारी है मुझे। तो इस केस में यही हुआ था कि उन जो 60 वर्ष का एक व्यक्ति होता है और उसकी जीवन बीमा कराई जाती है, और जीवन बीमा कराई जाती है उस व्यक्ति से सिर्फ इतना पूछा जाता है, इतना ही उल्लेख करवाया जाता है कि तुम्हें कारबंकल तथा डायबिटीज की बीमारी है। तो हर ऑब्वियसली किसी भी व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को तो नहीं पता होगा कि मुझे अंदर क्या बीमारी है, किसी को भी नहीं पता चलता। छोटे मोटे बीमारी हमारे बॉडी में बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता, और वो बहुत बड़े बीमारी बने रहते हैं। तो यही यहाँ पे भी होता है कि वो व्यक्ति उस टाइम बोल देता है कि नहीं मुझे कोई नहीं, क्योंकि यही प्रश्न पूछता है उच्चतम न्यायालय, बताता है भारतीय जीवन बीमा को कि तुमने तो पहली बात कि 60 वर्ष के उम्र के व्यक्ति को तुमने पॉलिसी दिया है और तुम उसका रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि तुमने सिर्फ उल्लेख करवाया था, तुमने उसकी जांच पड़ताल करवाई नहीं कि 60 वर्ष के उम्र वाले व्यक्ति को कोई बीमारी हो सके। उसकी जांच करवानी चाहिए था तुम्हें, जांच करवाने के बाद तुम्हें उसको पॉलिसी देना चाहिए, तुमने उसकी जांच नहीं करवाया जिसकी भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। तो वहां पे उच्चतम न्यायालय ने बोला कि तुम इसको जो 13,000 रुपए जो बीमा पॉलिसी का जो बन रहा है उसको 2 महीने के अंदर में उस महिला को तुम दो, और न्यायालय ने इस केस को खत्म कर दिया। तो आप लोगों ने मिथ्या निरूपण, मिथ्या व्यवदर्शन धारा 18 को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपको इसमें और कुछ समझना है, और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। इसके बाद आता है भूल, मिस्टेक। धारा 20, 21, 22 में इसको परिभाषा दिया गया है। मैं इस वीडियो में आपको तीन प्रकार से बताऊंगा कि भूल तीन प्रकार से होती है, समान भूल, पारस्परिक भूल और एकांकी भूल। इन तीन तरीके से भूल होता है, मैं इसको आपको डिटेल में जाके बताऊंगा कि इन तीनों का डिटेल क्या होता है। तो समान भूल, दोनों पक्षकारों की समान भूल होती है, प्रत्येक पक्षकार दूसरे के आस को जानता तथा स्वीकार करता है, इसमें मौलिक तत्व के विषय में भूल होती है। समान भूल के बारे में भी समझ गए। इसके बाद आता है पारस्परिक भूल, इसमें एक दूसरे को गलत समझते हैं तथा उसमें के उद्देश्य के विषय में भूल होती है, पारस्परिक भूल के बारे में समझ गए। एकांकी भूल, इसमें एक पक्षकार भूल करता है, दूसरा पक्षकार उसकी भूल को समझता है। तो आप तीन तरीके से भूल को समझे, आइए हम एक बार आपको इसको डिटेल में समझा देते हैं। समान भूल, दोनों पक्षकार की समान भूल होती है, यानी दोनों पक्षकार एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और उस चीज को जानते हुए भी भूल करते हैं तो उससे हम समान भूल कहते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, और आप भी जान रहे हो कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ये दिक्कत तो है यार, तो ये चीजें समान भूल में माना जाता है। और जो पारस्परिक भूल जो होता है उसमें एक दूसरे को गलत समझ तथा उसके उद्देश्य के विषय में भूल होती है। मैं भी समझ रहा हूं कि आप गलत हो, आप भी समझ रहे हो कि मैं गलत, ये दोनों पक्षकार एक दूसरे को समझते हैं कि दोनों ही गलत है। अब उसका जो मेन उद्देश्य है, जो उसमें मेन टॉपिक जो होगा उसकी विषय जो है, उसकी सब्जेक्ट जो है वो भूल हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की कमियों के जानते हैं लेकिन जो मेन कमी जो है उसके बारे में दोनों हम व्यक्ति उसको भूल जाएंगे, तो उसको हम पारस्परिक भूल करते हैं। और एकांकी भूल, एकांकी भूल में क्या होता है कि इसमें एक पक्ष भूल कर और दूसरा जो पक्षकार है उस भूल को जानता है लेकिन वो बताता नहीं है, तो उसे हम एकांकी भूल कहते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में फ्री ऑफ कंसेंट के बारे में समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगी, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझा सकूं, बता सकूं। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम में किसी तरीके से प्रॉब्लम ना आए, वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिख सकें और अच्छे नंबर से वो पास हो सकें, क्योंकि एक एग्ज़ाम में पास होने के लिए
बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, फेल हो जाते हैं, तो बहुत मन में दुख होता है। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन सारे स्टूडेंट के बताना चाहता हूँ जो हिंदी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं, उनको बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनको वर्ड को समझने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने उनको इस बात को ध्यान में रखते हुए, उन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस वीडियो को लेकर आता हूँ, ताकि वो अच्छे तरीके से समझ सके और एग्ज़ाम में लिख सकते। तो आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर कोई भी ऐसा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मेरा इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।